ऋषभ जी तुम्हें कॉल कर रहे थे, तुमने फोन नहीं उठाया, ऑब्वियसली नहीं उठाया, ये सब जो चल रहा है। तो उन्हें मुझे फोन करके कहा कि तुम्हें ये बता दो कि देर हो जाएगी उन्हें आने में। इतनी केयर करते हैं तुम्हारी, इतना प्यार करते हैं तुमसे, इतनी छोटी सी बात बताने के लिए बेचैन हो रहे थे कि तुम्हें रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। और तुम उनकी पीठ पर छुरा खोप रही हो। एक्चुअली तुम दोनों अपने पार्टनर्स के साथ बहुत गलत कर रहे हो, अपने पार्टनर्स की पीठ पे छुरा खोप रहे हो। और इस घटियापन का जवाब तुम्हें देना होगा, सिर्फ मुझे नहीं सारे घर को देना होगा। तुम दोनों जो कर रहे हो ना, पूरे घर के लिए गलत कर रहे हो। पूरे परिवार को जवाब दो, चलो पूरे परिवार को जवाब दो, आओ। रीता जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं क्यों नहीं करूं, तुम्हारी बात सुनूं? तुम होते कौन हो, ये सब करने वाले होते हो, क्यों सुनूं तुम्हारी बात? नहीं सुनूंगी, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अभी जाकर राखी माँ को बता दियो मैंने क्या देखा। ऐसा मत करिए पिताजी, प्लीज रुक। पिताजी एक मिनट रुकिए, पिताजी प्लीज हमारी बात सुनिए एक बार। ओ शट अप प्रीता। पिताजी प्लीज एक करो उसे रोको। कैसे? आई डोंट नो कैसे। एक काम करो, उसे मार डालो, हॉट चस्के लाओ। नहीं पिताजी को नहीं मार सकते। नहीं मार सकते मतलब उससे मरना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारा सपना है ना, जो तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होने वाला था, वो एक सेकंड में बर्बाद हो जाएगा। वो हमारी सच्चाई सबको बता देगी तो हम रोड पे आ जाएंगे। हम ऐसे उसे मरना होगा पृथ्वी। बेबी हम प्रीता जी को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? नहीं मार सकते मतलब नहीं मार सकते, उनको मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे जो करना मैं करूंगी। बेबी मेरी बात सुनो। को नहीं मार सकते, उनको मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्या करने से होश में आओ, उनको रोकना होगा, सबको सच बताने से रोकना होगा। होश में आओ बेबी, होश में आओ। राखी माँ, राखी माँ, राखी प्लीज रुक जी, राखी प्लीज रुक, प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज किसी को कुछ मत बताइए, प्लीज प्लीज। क्यों ना बताऊं, मैं सबको बताऊंगी और राखी माँ को सबसे पहले बताऊंगी। राखी माँ मेरी बात सुन। देखिए पिता से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज एक आखिरी बार हमें माफ कर दीजिए प्लीज। पिता सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। तुम तो सॉरी मत ही बोलो, तुमने क्या कहा था, पृथ्वी से सारे कनेक्शन तोड़ दोगी। तुम्हें फोन पे बात करते हुए भी सुना था मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ अभी तक चल रहा है। नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है मम्मी, कसम। अगर चल भी रहा है ना तो यूं समझिए आज के बाद सब खत्म। पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती नहीं पाप हो गया, पाप नहीं महापाप हो गया, घोर पाप हो गया। और इस पाप का मैं पश्चाताप करूंगा, रोऊंगा धोऊंगा गिड़गिड़ाऊंगा, आपके कदमों में एक बार नहीं हजार बार नहीं लाख बार नहीं अनकाउंटेबल टाइम्स माफी मांगूंगा। यकीन मानिए हम दोनों आज के आज अभी के अभी अगर कुछ है भी ना हमारे बीच में वो खत्म करते हैं। और आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ कृतिका के साथ रहूंगा और कृतिका के लिए रहूंगा। आई प्रॉमिस, प्लीज एक आखिरी बार माफ कर दीजिए प्लीज प्रीता जी। प्रीता प्लीज, मेरा बसा बसाया घर प्लीज मत उजाड़ो। और जब तुम सोनाक्षी जैसी लड़की जो तुम्हारी बेटी को यहाँ से लेकर जाना चाहती है, तुमने उसे माफ कर दिया, उसे दूसरा मौका दे दिया, तो प्लीज प्रीता मुझे भी दूसरा मौका दे दो। आई स्वेयर मैं अपने सारे रिश्ते पृथ्वी से तोड़ दूंगी, प्लीज प्लीज मुझे दूसरा मौका दे दो। आई डोंट ट्रस्ट यू। राखी माँ, प्रीता क्या बात हो गई पुत्र, इतनी रात को तुमने आवाज दी, मैं बहुत घबरा गई, क्या बात है? अरे तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं, क्या बात है, कुछ सीरियस हुआ है क्या? प्रीता बता दो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? शालिन तुम बताओ आखिर बात क्या है? क्या शालिन, शालिन ने कुछ किया है क्या? अरे बताओ ना। कृतिका के बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया था, उसे सरप्राइज देना चाहती है। मैंने भी कुछ प्लान किया है, लेकिन शालिन को कृतिका की बर्थडे थी नहीं पता थी, और इसकी वजह से मुझे भी कंफ्यूजन हो गई, लेकिन पृथ्वी जी ने आकर कंफ्यूजन क्लियर कर दी।
और ये भी कहा कि मैंने जो प्लान किया है वो बेहतर प्लान है और हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, उसको नहीं जो शर्ले ने प्लान किया है। वैसे एक कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, कृतिका का बर्थडे परसों ही है ना? हाँ, कृतिका का बर्थडे परसों ही है। प्रीता, पता है तुमने मुझे बहुत डरा दिया, मैंने सोचा कि कहीं कुछ सीरियस ना हो गया हो। बस इतनी सी बात थी ना? इतनी सी बात थी। ठीक है, अब मैं जाऊँ? हाँ, I'm so sorry, आप प्लीज जाकर सो जाइए, मैंने आपको ऐसे ही डिस्टर्ब किया। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। इधर आ। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि तुम दोनों भगवान में मानते हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अभी जो तुमने मुझे बाहर कहा और मुझसे वादा किया है, अगर वो वादा सच्चा है और तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे, अगर तुम्हारा एक एक लफ्ज सही है, तो मैं ऐसे नहीं मानूंगी। भगवान के आगे बोलो तो अखंड ज्योत पर हाथ रखकर कसम खा कि तुम वाकई अपने रिश्तों की मर्यादा को नहीं तोड़ोगे, अपने रिश्तों की इज्जत करोगे, वो रिश्ते जो तुम्हें इतना प्यार देते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं, तुम ही उन्हें विश्वास दोगे, प्यार दोगे, वफादारी दोगे, जो कृतिका और ऋषभ जी दोनों डिजर्व करते हैं। वादा करो, भगवान के आगे वादा करो, बोलो मुझे। पिताजी, अभी भी तो वादा किया ना मैंने। नहीं, ऐसे नहीं, क्या सुना नहीं तुमने? मैं कह रही हूँ कि तुम यहाँ भगवान के आगे, भगवान के हाथ जोड़कर, अखंड ज्योत पर हाथ रखकर कसम खा के बोलो कि तुम दोनों अपने रिश्तों की इज्जत करोगे और आज के बाद कभी भी अपने रिश्तों की मर्यादा नहीं तोड़ोगे। बोलो। हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के आपसे वादा करते कि आज के बाद हम दोनों के बीच जो भी रिश्ता था वो सब खत्म। हमारा जो रिश्ता था वो गलत था, हमारी गलती थी, और हम अपने अपने लाइफ पार्टनर्स को वो प्यार, इज्जत और विश्वास देंगे जो वो डिजर्व करते हैं। और मैं ये कसम खाती हूँ कि अगर आज तुमने ये कसम झूठी खाई और तुमने कभी जाकर इस कसम को तोड़ा, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों की सच्चाई सबके सामने लाने में, तुम्हारा भांडा फोड़ने में, तुम्हें एक्सपोज करने में। ये मत समझना कि आज मैंने तुम दोनों को ऐसे ही जाने दिया या तुम्हें माफ कर दिया, क्या जो तुम्हें करते हुए देखा था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज अगर मैंने तुम दोनों को जाने दिया है तो वो सिर्फ इसलिए, मुझे कृतिका की फिक्र है, उसने तुमसे शादी की है तो तुमसे प्यार भी किया है और इस शादी को पूरे मन से निभाती है, तुम पर विश्वास करती है। मुझे ऋषभ जी की फिक्र है, वो तुम्हें अपने दिल से अपनी पत्नी मानते हैं, तुम्हें वो इज्जत देते हैं। मैं नहीं चाहती कि उन दोनों का दिल टूट जाए, मैं उन दोनों का दिल नहीं तोड़ना चाहती। तुम मेरी अच्छाई को मेरी बेवकूफी मत समझना, समझे तुम दोनों? जाओ यहां से। हे पापा, इस घर में जितनी भी मुसीबतें आई हैं उन सबसे इस घर को बचाना, इस परिवार को बचाना, हमेशा सबकी रक्षा करना। क्या वो थक गया? सोच मेरा सोच, मैं हर रोज, ऑलमोस्ट हर रोज ऐसी मीटिंग किया करता था, उसके बाद क्रिकेट प्रैक्टिस पे जाता था। सोच, कभी नहीं लगा आंधी करण लूथरा। क्यों आता है? ये कोई हंसने की बात है? अबे मैंने कौन सा जोक मारा? पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पापा मम्मी ने एक छोटा सा बच्चा पैदा किया है, उस बच्चे को मैं पाल रहा हूँ अपना बच्चा समझ के।
और तो क्या, तो ऐसे क्यों मुंह बना रहा है तू? यही तो है, इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी क्यों है? इस सेलेब को मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों मिल गया? कभी मुझे ये चाहिए, कभी मुझे वो चाहिए, कभी मुझे ये पसंद नहीं है, कभी मुझे वो पसंद नहीं है, कभी टाइम चेंज करो, कभी ये करो। अरे हाँ तो अब बता ना, कौन सा बच्चा ऐसा करता है? बच्चे चॉकलेट्स मांगते हैं, गिफ्ट मांगते हैं, खिलौने मांगते हैं, टॉयज मांगते हैं। हाँ तो तू उन बच्चों से कोई अलग है क्या? तू भी वैसा ही है, बस साइज में उनसे बड़ा है, लेकिन तेरी डिमांड्स तो डिफरेंट ही है ना। यू आर टू मच। पर बच्चों से याद आया करण, ऐसे पीहू के घर पे आने से ना चीजें कितनी बदल गई है ना, सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना। जब पता उसको ऐसे हाथ में लेता हूँ ना, ऐसी फीलिंग आती है ना करण, कसम से यार इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है सब कुछ भूल के बस इस मोमेंट को जीता रहूं। कितनी अच्छी फीलिंग है ना यार। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तेरे साइज का बच्चा नहीं, मुझे पीहू के साइज का बच्चा चाहिए। बच्चे छोटे पैदा होते हैं, पीहू जैसे तो बाद में होते हैं, ओके बड़े हो जाते हैं, समझा? ये जोक था क्या? ये कैसा जोक था हैं? मुझे पता नहीं कि मैं ऐसे इतना बड़ा हो गया। मुझे मालूम है कि बच्चे इतने ही पैदा होते हैं मेरे भाई, मुझे पता है, लेकिन मैं तो समझ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुद्दे की बात तो तू समझता नहीं है ना। मुद्दे की बात यह है कि पीहू को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी फैमिली प्लानिंग शुरू कर दूँ। फैमिली? शैलेन के साथ? इसमें हंसने की क्या बात है, बीवी है मेरी, उसके साथ ही फैमिली प्लान करूंगा। तुम सोई नहीं अभी तक? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों, अंदर चल के बातें करें। क्या हुआ, तुम इतनी रात को जागी हुई? मैंने प्रीता जी को कहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा, तुमको इन्फॉर्म कर दें कि तुम सो जाओ। प्रीता ने मुझे बताया था, लेकिन वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं कुछ सोच रही थी। क्या हुआ, क्या सोच रही थी? ऋषभ जी तुम्हें कॉल कर रहे थे, तुमने फोन नहीं उठाया, ऑब्वियसली नहीं उठाया, ये सब जो चल रहा है। तो उन्हें मुझे फोन करके कहा कि तुम्हें ये बता दो कि देर हो जाएगी उन्हें आने में। कितनी केयर करते हैं तुम्हारी, इतना प्यार करते हैं तुमसे। मैं आपके बारे में सोच रही थी। क्या? वही बात जो मुझे आपको पहले बता देनी चाहिए थी। ऋषभ जी आप बहुत दिनों के बाद घर आए हो, सिर्फ मम्मी जी, दादी, पापा जी या फिर आपके भाई आपको देखकर खुश नहीं हुए, मतलब मैं भी आपको देखकर बहुत खुश हुई हूँ। आई रियली मिस्ड यू। सॉरी ऋषभ जी, मैं वैसी बीबी नहीं बन पाई जैसा आप चाहते थे, बट आई प्रॉमिस अब से आपको कंप्लेन का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे पता है प्रीता, तुमने मुझ पर नजर रखी हुई है, अब तुम देखना मैं तुम्हें वो ही दिखाऊंगी जो तुम देखना चाहती हो। ये सब चल क्या रहा है? एक तो ये सब चल रहा है और तुम मुंह खोलकर उन्हें डिस्टर्ब करने वाले थे। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ है खाने को? अरे तुम खाना नहीं खा के आए? तुम्हारे बगैर डिनर करता हूँ मैं। वेरी गुड, मुझे भी बहुत भूख लगी है, साथ में डिनर करते चलो। ठीक है, हाथ उठाओ, मैं तुम्हारी भाई नहीं हूँ। उसकी तो दाढ़ी है ना। क्या शर्लिन आजकल कुछ बदली बदली नजर नहीं आ रही? हाँ हेलो, कहाँ खो गई? तुमसे बात कर रहा हूँ। अब जब एक मौका दिया है शर्लिन को सुधारने का, तो देखती हूँ वो कैसे बिहेव करती है। अभी करण को नहीं बताती, वरना करण को गुस्सा आ जाएगा और वो
अभी जाकर ऋषभ जी को सब कुछ बता देगा और ऋषभ जी और शैलेंद्र के बीच में शक की दीवार खड़ी हो जाएगी। हेलो, तुमसे बात करूं, चल क्या रहा है? इधर तुम खोई खोई हो, उधर ऋषभ खोया खोया, और शर्लिन हार्ट अटैक दे रही है, चल क्या रहा भाई? सब अच्छा अच्छा चल रहा है। Are you sure? अच्छा चल रहा है ना, तो चलने दो। अरे सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि काम से आए भूखे पति को तुम्हें खुद खाना खिलाना चाहिए? अच्छा, तो ऐसा क्यों कि हमेशा भूखी पत्नी को पति भी तो खाना खिला सकता है? आए, आए, नेकियो, पूछ पूछ। हाँ मिसेस लूथरा, आज तो दिवाली है मेरी। क्यों कांप रहे तुम्हारे? देखा, तुम्हें मुझे ज्यादा खाना खिलाना चाहिए ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। नहीं, वो मैं थोड़ा नर्वस था इसलिए। अरे ना, मैं सुन रहा हूँ। अब मेरे बारे। आओ। सॉरी, वो एक्चुअली जेन्युइन मिस्टेक थी, जानबूझ के नहीं काटा, सच्ची में। चलो तुम्हारी बारी। ओके। हाथ से गिराओ ना। ओके। ओ। जानबूझ के काटा ना। जेन्युइन मिस्टेक थी, मेरी गलती नहीं है, सॉरी। चाहिए आपको? नहीं, चाहिए तो नहीं था, वो सॉरी, थोड़ा सा वो एक्चुअली हेजिटेशन हो रहा था, मुझे कुछ कहना था तुमसे। बोलिए ना ऋषभ जी। मैं ऐसी बातें एक्चुअली करता नहीं हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इट्स ओके, बोल दीजिए। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, तो ऐसे दिल में आ रहा है, बोल देना चाहिए। आफ्टर ऑल यू आर माय वाइफ। पृथ्वी जी, क्या हुआ? आप जाग रहे हैं, कुछ चाहिए आपको? क्या सोच रहे हैं, कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? तुम क्यों उठ गई? अरे फिर आप जाग रहे हैं। मैं तुम्हें सुला दिया था ना, तो फिर तुम फिर से जाग क्यों गई? ओ, क्योंकि मैं नहीं सोया इसलिए तुम उठ गए ना। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से सुला देता हूँ, तुम्हारी आंखों में नींद भर देता हूँ। तुम आओ, तुम्हारी आंखों में नींद भर देता हूँ। तुम प्लीज आराम से सो जाओ, मेरी टेंशन मत लो, मैं सो जाऊंगा अपने आप, सो जाओ। पृथ्वी जी, एक मिनट। बैठिए, आपसे बात करनी है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, बता दीजिए। तुम चल रही हो मेरे दिमाग में, पता है क्यों? क्योंकि तुम लवली हो, मेरी लवली वाइफ। आपको एक सीक्रेट बताऊं पृथ्वी जी, लवली ना मैं बचपन से ही हूं, लेकिन मुझे ये जानना है कि मेरे हीरो हबे के दिमाग में चल क्या रहा है। ये सब क्या था? इतने प्यार से दवाई खिलाई, अब इतने प्यार से हाथ पकड़ के मेरा मुझे सुनाने आ गए, बिगाड़ने का इरादा है मुझे? क्या चल रहा है बता दीजिए। एक तो तुमको पता है कि हमारी जो शादी हुई वो बहुत ही अजीब हालात में हुई। मैं श्योर नहीं था जब हमारी शादी हुई कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात के लिए भी श्योर नहीं था कि तुम सही लड़की हो शादी के लिए या नहीं। I'm just speaking my heart out। मुझे जो लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, मेरी जगह शायद कोई और होता तो वो भी यही सोचता। मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैं श्योर नहीं था। चीजें थोड़ी बदल गई हैं शलिन, मैं बदल गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, मेरा दिल बदल गया है, मेरा दिमाग बदल गया है, सिचुएशंस बदल गई हैं, एंड द वे यू हैंडल थिंग्स, एंड यू नो आई मस्ट कन्फेस, अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मैंने डिसीजन लिया था शादी करने का तुमसे, वो सही था।
मैं 2 साल से घर से बाहर हूँ, तुमने परिवार को हैंडल किया, और जब मैं यहाँ पर था भी मैं तुमसे दूर रहता था क्योंकि मैं श्योर नहीं था और मैं तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं देना चाहता था। लेकिन तुमने मुझे कभी परेशान नहीं किया, तुमने कभी एक वाइफ का हक नहीं मांगा, ओकेजनल झगड़ों के अलावा तुमने कभी मुझे कोई टेंशन नहीं दी, तुमने मुझे बहुत स्पेस दिया शर्लिन, और तुमने प्रूव कर दिया कि शायद मेरी सोच गलत थी कि तुम अच्छी इंसान नहीं हो, तुम अच्छी इंसान हो शर्लिन। And I want to thank you. Thank you for being so understanding. Thank you for being a good wife. इस घर की अच्छी बहू बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। घर में सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं खुश हूँ अपने डिसीजन से कि जो मैंने डिसीजन इतने साल पहले लिया वो मैंने अच्छा लिया। Thank you. बस यही कहना था मुझे और कुछ नहीं। Please sleep. Good night. मैं ये कसम खाती हूँ कि अगर आज तुमने ये कसम झूठी खाई और तुमने कभी जाकर इस कसम को तोड़ा तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों की सच्चाई सबके सामने लाने में, तुम्हारा भांडा फोड़ने में, तुम्हें एक्सपोज करने में।